आदाब दोस्तों, बात है 7 जुलाई 2024 की, जब बीजेपी के एक नेता सुरेश नकुआ ने केस फाइल किया ध्रुव राठे के ऊपर। वो एलिगेशन लगाते कि उन्होंने डिफेम किया है और उनकी इमेज को पब्लिकली खराब की है। बीजेपी और एलविश यादव के प्रशंसक बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं इस चीज को लेकर कि ध्रुव राठी को जेल होने वाली है। क्या ये बात सच है कि ध्रुव राठी को जेल होने वाली है? क्योंकि ये सभी को लगता है कि क्योंकि केस फाइल हुई है तो जाहिर सी बात है कि ध्रुव राठी को जेल हो सकती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं क्या है इसके पीछे का पूरा मामला, चलिए देखते हैं। दरअसल ध्रुव राठी ने 7 जुलाई को एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे उनका टाइटल था माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स, जहां उन्होंने एलविश यादव को रोस्ट किया, एलविश यादव को एक्सपोज किया था। उस वीडियो में क्या हुआ था कि उन्होंने एक बीजेपी के नेता सुरेश नकुआ का नाम ले लिया था। पहले आप वो वीडियो क्लिप देखो। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो अंकित जैन, सुरेश नकुआ, तेजिंदर बग्गा जैसे कुछ हिंसक गालीबाज ट्रोल्स को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर पोस्ट भी किया था। क्या पहले चेक नहीं कर सकते थे कि ये कैसे लोग हैं? तो इसी वजह से सुरेश नकुआ ने एलिगेशन लगाए ध्रुव राठी के ऊपर और केस फाइल किया। तो अब ध्रुव राठी जेल जाने वाले हैं। क्या है इसके पीछे का पूरा मामला? दरअसल जो सुरेश नकुआ है उन्होंने केस फाइल किया है डिफेमेशन का। पहले तो हमें ये समझना होगा कि डिफेमेशन होता क्या है। तो दरअसल किसी की भी इमेज को हानि पहुंचाना या फिर उन पर डिफेम करना, तो इस चीज को लेकर आप डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं। अब ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिफेमेशन भी दो तरीके के होते हैं। पहला है क्रिमिनल डिफेमेशन। इसमें होता यह है कि आप किसी को गाली गलौज करते हो, अपशब्द बोलते हो या फिर आप उसके खिलाफ कोई नफरत फैलाते हो, झूठी अफवाह फैलाते हो, तो आपके ऊपर वो डिफेमेशन का केस कर सकता है। इसमें सेक्शन 499 एंड 500 के तहत आपको सजा दी जाती है, जिसमें 1 साल की सजा होती है या फिर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सिविल डिफेमेशन के होता क्या है। इसमें होता यह है कि आप किसी को अपशब्द बोलते हैं या फिर उसकी छवि को खराब करते हो, उसकी इमेज को खराब करते हो, तो आपके ऊपर सिविल डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। सिविल डिफेमेशन में एक अच्छी बात यह भी है कि आप बिना कोर्ट जाए भी अपने वकील को भेजकर केस सॉल्व कर सकते हो। और जो क्रिमिनल डिफेमेशन होता है उसमें आपको खुद कोर्ट में जाना होगा अपनी गवाही देने के लिए और आपको सबूत पेश करने होंगे, आपको अपने आप को प्रूफ करना होगा कि मैं राइट हूँ, मैं करेक्ट हूँ, जो भी मैंने एलिगेशन लगाए वो सारी सच है। ध्रुव राठी को ऐसा प्रूफ करना होगा। बात करते हैं ध्रुव राठी के ऊपर कौन सी केस फाइल हुई है, सिविल डिफेमेशन की या फिर क्रिमिनल डिफेमेशन की। तो यार अभी इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है। अगर ध्रुव राठी के ऊपर सिविल डिफेमेशन का केस लगा होगा तो ध्रुव राठी को 20 लाख रुपए का जुर्माना पेनाल्टी देना पड़ सकता है। अगर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस है तो ध्रुव राठी को 1 साल की सजा या फिर कंपनसेशन देना पड़ सकता है। और ये डिपेंड करता है कि कोर्ट की क्या सुनवाई रहती है। और ध्रुव राठी को डेली कोर्ट से नोटिस भेजी गई है कि वो 5 जुलाई तक कोर्ट में हाजिर हों। तो यार अभी तक तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि कौन सा केस लगा हुआ है। अगर आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और बस ये वीडियो यहीं तक थी। आपको जरा से भी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, डिटेल्स पसंद आया हो, तो लाइक करके जाना। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।